क्या कर लिया मैंने अपने बालों का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। मेरे बर्थडे का व्लॉग नहीं आया, मेरे बेटे का बर्थडे का व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना हमारी खुशियां ना शेयर करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। पर उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, उन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा और मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने वैसे शूट करने वाली थी, उन्होंने बोला देख मैं फिर कुछ बोलूँगा तेरे को बुरा लग जाएगा, तो वैसे भी ज़्यादा अपनी खुशियाँ शेयर नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है। और मैंने ऐसा होते हुए यहाँ पे देखा कि बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे लाइफ में, दो दो तीन तीन शादियाँ भी करी, फिर हस्बैंड भी नहीं रहे, बहुत कुछ देखा मैंने, उतार चढ़ाव, अब इतने रिच रिच फैमिली को देखा है, डिवोर्स ले रहे हैं, तो दुख होता है कि मेरे को लगता है उनकी ना नज़र लग गई यहाँ पे अच्छाई दिखाते दिखाते। फिर वो कहते हैं जो रियल में होता है ना वो सबको, मतलब जो हम यहाँ पे दिखाते हैं वो सही में नहीं, असल में रियल नहीं होता है, बस वो फेक दिखाते हैं, मतलब अच्छा ही दिखाते हैं लोग कि हम इतने बढ़िया से जी रहे हैं, लाइफ में बिल्कुल उल्टा चल रहा होता है सब कुछ। तो इसलिए ना नहीं करनी चाहिए अपनी जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है ना शेयर नहीं करनी चाहिए, नज़र लग जाती है। कौन कौन बिलीव करता है कि नज़र लग जाती है। तो मैं करने वाली थी अपने बालों की कटिंग, जो मेरे पे शूट करती है, काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप पे ये हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, तो फिर से मैं यहाँ से करने वाली हूँ कटिंग, और आई होप कि आपको पसंद आएगी, आप देखते रहो। तो काम करेंगे हम बाद में, पहले करेंगे कूड़ा। और ये मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे पड़ोसियों ने दिया है मुझे, मैं खरीदने वाली थी, फिर उन्होंने बोला कि मत खरीदो मैं आपको दे दूंगी, तो उनके पास इतना सारा था तो उन्होंने मुझे एक दे दिया। मैंने कहा था कि मैं इसका पे कर दूंगी पैसे, वो मना कर रहे थे, लेकिन मैं दूंगी जरूर, किसी ऐसे लेनी नहीं चाहिए। तो काश मुझे बताने के लिए कोई होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन अभी मेरे पास कोई है नहीं है, तो मैं चली कटिंग करने के लिए। मैं दो बार कटिंग करूँगी, एक बार हो गई कटिंग, आप भी करते हो क्या ऐसा? पहले भी कटिंग करी थी मैंने, फिर से कटिंग कर दी, और अब लेंगे इनको साइड में, क्योंकि मेरे को छोटे बड़े बाल चाहिए थे, तो मैंने पहले बड़ी बड़ी कटिंग करी, अब और छोटा करूंगा। तो ये है घर की खेती, पर ये उग जाती है, तो मैं नाप के काटूंगी यहां से और ये फिर ऊपर चले जाए। खचर 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 खचर, क्या कर लिया मैंने अपने बालों का। अब सही है, हो गया ना सही। पर मैंने ऐसे काटे हैं, अगर मैं पफ बनाऊं तो भी वो बन जाए और आगे करूं तो भी वो सेट हो जाए, कहीं से कहीं तक भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने बाल काटे, पर मैंने बाल काटे हैं, देखो बहुत छोटे काटे हैं। अभी कंघी सिर्फ झाड़ के दिखाती हूँ आपको मैंने कितने छोटे बाल काटे, इतने छोटे बाल काटे हैं, देखिए आपको ये देखो सब काटे साफ से काटे थे, लेकिन मैंने क्योंकि मैं काटती रहती थी इसको, अब मेरे को पता है कि कैसे काटने चाहिए। भूत नहीं लग रही मैं इस टाइम, पर मेरी बीच का मांग बहुत लंबा निकलता है, इससे मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं बहुत जीऊंगा, मैं ले तो अच्छी बात है, पर मैं कम जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने छोटी सी दुनिया में सब कुछ देख लिया, अब आजकल मैं थोड़ा सा ना भक्ति करती रहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाती। अब बना रही थी तो फिर मैं बाल काट रही थी, मैंने सोचा बना दूँ, अभी खो या टाइम भी देखा, 11-12 बजे मेरी लड़की की छुट्टी जाती है। अब तो कटिंग कर ली, हेयर स्टाइल भी ट्राई करें, कौन कौन से बना सकते हैं हम, कहाँ गए मेरे सारे बाल। ये क्या कर लिया मैंने अपने बालों का, मजाक कर रही हूँ मैं। वो अभी मैं जरा प्रेस मारूंगी तो ये अपने आप सेट हो जाएंगे, ऐसे करके मारूंगी, क्योंकि मांग निकलती है तो गड़बड़ हो जाती है, मांग क्यों निकलती है, ये थक गई मैं इसे छुपाते छुपाते मांग को। सही हो जा यार, मांग नहीं निकलो, नहीं निकलो, नहीं निकलो, अरे यार थोड़ा रैम खा लो, मुझे मांग निकलती रहती है, पानी से धो के आती हूँ, तो पानी से धो के आई, अब शायद सही हो जाए थोड़ी देर। तो मैंने बाल कुछ इस तरह से काटे हैं, शायद अब धोने के बाद पता चल रहा है, तो वैसे पता नहीं चल रहा था, और भी काटे हैं लेकिन वो अंदर फंसे पड़े हैं इधर। हाँ यार मेरे चोट का निशान दिख रहा है, कोई नहीं मैं इन्हें पब बना के सेट करूँगी। अब यार मैं भूल गई थी कि मेरी चोट भी लगी है, पहले मैं काट रही थी फिर मेरे को याद आया कि नहीं काटने हैं, मेरी चोट लगी है यहाँ पर, और फिर भी काट लिए, अच्छे लग रहे हैं ऐसे, मेरा चश्मा कहाँ है, क्या पता चश्मे में सूट करें, चश्मा कहाँ है मेरा, गिर गया यार।
सत्यानाश मार दिया। अब लगे ना बाल अच्छे, अब सही है। उसमें आपके अंदर कुछ नहीं मेरा बालों को, ये मेरी कटिंग। तौबा तौबा, ये मीठा सब मुरब्बा, मुझे गाना गाने नहीं आता। कैसी लगी कटिंग सही सही कमेंट करके बताना। तो मैं थोड़ा सा प्रेस करके आऊँ इन बालों पे ताकि मांग निकलना बंद होए, तब आपको शायद मेरी हेयर स्टाइल समझ में आए। हेयर कट मैंने पहले भी करी थी और काफी लोगों को मेरा हेयर कट पसंद आया था, इसलिए मैंने दोबारा करी। कहा गई अब होएगा सही। मांग निकल तो फिर भी बनती हो रही यार ये। तो जब लाइफ में बोर होने लगा हो ना तो कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, तो मैंने भी कर दिया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मैं अपने बेटे को लेने जाऊंगी ना तो देख लेना एक बाल नजर आएगा तुम्हें मेरे सर पे, यहाँ पर जो मैंने कटिंग करी है। छुपाना बहुत अच्छे से आता है ना क्योंकि मेरे को, पर सच्ची कहो देखो कितना अच्छा लग रहा। अरे यार मांग ना निकलती देखो और भी अच्छा लगता। देखो बस मेकअप करना, और मेकअप कर ली थी तो शायद बहुत ही प्यारा लगता। मैंने बचपन में बहुत होता कि ऐसी कटिंग करा दो मेरी, ऐसी कटिंग करा दो, कराई नहीं उन्होंने कि कंधी हो जाएगी, भेंगी हो जाएगी। सच्ची कह रही हूँ, फिर मेरे को अब लगता है कि उस टाइम करा ली होती आंख तो मेरी अभी भी खराब हो गई। और मेरी ननद ने भी सेम ऐसे ही बाल काटे थे और अब मैंने काट लिए। और ये देखो मेरा पप्पी कितने अच्छे से एक पिन में सेट हो गया। मस्त हेयर कट करे ना मैंने। करुणा हो गई रेडी क्योंकि भाई की छुट्टी जाती है जल्दी, तो लेके जाना पड़ता है इसको मेरे को साथ में। देखो रेडी हो रही कि भाई को लेने जाना है, क्योंकि निक्कर मेरे को नहीं पहनानी, मेरे को ये पहनानी वाली निक्कर, अपने आप कपड़े पहन के आई है। तो हम चले आशीष को लाने के लिए। और पता है क्या, मुझे जल्दी आना चाहिए था, छुट्टी हो गई है, बच्चे लेके जा रहे हैं लोग अपने अपने। वो एक परसों मुझे भी इतना गुस्सा हो रहा था, तुम सबसे लेट आए। मैं ना 12:00 बजे की छुट्टी जाती है और मैं 12:15 के बाद आई हूँ, मेरे को लगा 12:15 के बाद होगी छुट्टी, खुला रहता है मतलब छुट्टी हो गई है। आशीष आशीष को बुला दो जरा। आज ही पूरा करके आया है एग्जाम अपना, मैडम ने बोला वेरी गुड तो बता रहा है। अरे कितने खुशी खुशी जा रहे हैं। करुणा को बिस्कुट दिलाया था, टॉफी दिलाई थी मैंने। एक गाय गाय करुणा गाय, नहीं 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 आशीष का हाथ नहीं, हाथ नहीं छोड़ो, हाथ पकड़ के चलो, नहीं चलो हाथ पकड़ के चलो, धीरे धीरे आराम से चलो। कहाँ इनको कीचड़ में लेके जा रहे हो? वो तो शुक्र है मैंने इसके रबड़ पहन के स्कूल में जमा करा दी, मैंने आज इसका बॉक्स ही नहीं रखा इसके बैग में। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, टाटा।